देन हेलो इज़ वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। वो वहाँ पे इसीलिए दिखाया क्योंकि सूर्य जस्ट अभी एक मिनट नहीं हुआ अभी वहाँ से दिखाई दे रहे थे, मतलब कि लगभग 90% गोले टाइप दिखाई दे रहे थे। लेकिन जस्ट मैंने ये कैमरा साफ किया, मतलब इसे ऊपर से अंगुली प्रिंट लगे हुए थे वो, और माइक लगाया तब तक गायब हो गए, ध्यान दिया नहीं, बस वो इतने से दिखाई दे रहे थे। हो सके वापस देख लेना, बस इतना दिखाई नहीं था। बाकी मौसम काफ़ी उस तरफ अच्छा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है वो, इधर बादल है, इधर भी नहीं है आज तो, और पीछे तो होते ही नहीं है कभी। और ये गाने चल रहे हैं, अपनी आवाज़ ठीक ठाक आवाज़ पे, अभी तो यहाँ पे अजीब व गरीब गाने चलते रहते हैं क्योंकि सारे दिन चलते थे, इनके गानों की प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाती तो कुछ भी चलाने लग जाते हैं, पता नहीं क्या गर्म मसाले करके गाना चला रखा है अभी। और आज लगाया बैक और चेस्ट, डिसेंट वर्कआउट रहा वैसे, अच्छा भी अच्छा, डिसेंट के बीच वाला मान लो अच्छा ही रहा। और सुबह हम वॉक के लिए दो दिनों से नहीं जा रहे हैं, और एक चीज़ के हमने शायद 5 वीडियो में बोल रखा है, हम बल्क स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं कभी नहीं होता। अब हमने जैसे स्टार्ट किया है कि अब जितना हम लेते हैं, जितनी कैलोरीज हम खाते हैं उससे वाइट राइस ऐड किया हल्के से, इतने से कितने 50-60 ग्राम होंगे कुछ, तो धीरे धीरे बल्क पर जा रहे हैं। अब थोड़ा फैट ऐड करेंगे, बाद प्रोटीन करके धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, तो आगे सर्दी वाली बल्क इजी होगा। आज जिम से वापस आए और सो गए, बस आज दादी आई हुई थी, कभी जब भी सबको पता होगा हम ब्लॉग करते हैं तब कभी गांव जाएंगे, इतनी बड़ी जगह है क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ पे एक तालाब है मंदिर के साइड में, क्या तगड़ी जगह है यार, वहाँ पे रिकॉर्ड करने का मज़ा आ जाएगा, बहुत प्यारी जगह है सही में, गांव जाने का मज़ा ही कुछ। और बस एक ही चीज़, वहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, तो शायद सर्दियों में जाएंगे, इन सर्दियों में नहीं, अगली सर्दियों में, अभी कुछ नहीं पता, क्या पता कब जाए, कब पता चले वीडियोस के बारे में, और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये वही चीज़ कि जो हमने सोच रखा होता है वो कभी नहीं होता, हर बार उससे अलग ही होता है, जो भी हमने सोचा है वो कभी नहीं होगा। और आज कौन सा 98th ब्लॉग होगा, और वही पता है हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, 100th ब्लॉग कुछ अलग करने का सोच रहे लेकिन उसके लिए अपने स्टार्ट नहीं कर पाए। और हेयर कट के लिए हम जा नहीं रहे, कोई भी काम नहीं हो रहा, बस आज तो सारे दिन सोए रहे थे, मेरे साहब ने खाना वाना खाया, बाद दादी आगे थोड़ी देर दादी के पास बैठे थे, और उसके बाद मैं जाके सो गया, कुछ 1 बजे आसपास में सोया, और 4 बजे उठा, वही नींद बहुत ज़्यादा आती है, सुबह भी इतनी मुश्किल से नींद खुली है, कुछ 7 बजे उठा और 7:30 बजे जिम पहुँच गया, 7:30-7:45 तक जिम पहुँचा, बीच में भाई को छोड़ के, तो उस बीच में थोड़ा लेट हो जाए, बाकी आधे घंटे का रास्ता है ये, आधे घंटे का नहीं है, 15 मिनट हाइएस्ट हो गए थे कुछ, बीच से छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर स्कूल पढ़ते हैं, उसके बाद बाहर निकलो और आगे जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से आधा स्कूल है उससे इतना डबल आगे जिम है, मैं फालतू में था क्या बोलते इसको, बात को लंबा खींच रहा हूँ। और आज पूरे दिन में तो कुछ खास नहीं किया, तो कल अपना दिन पूरा अच्छा बनाना है, क्योंकि कल लेग शूट लगाना, पहली बात दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी, उसके बाद में घर पे ही पीनट बटर बनाएंगे, होगा तो ट्राई करेंगे, और उसके बाद में ये लिस्ट बनाने स्टार्ट करेंगे, तो कल का दिन पूरा खास पूरा दिन अच्छा जाए, तो ये सारे काम कर लेंगे। और उधर वाले बादल मैंने दिखाई नहीं होंगे, कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और नीचे में दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन ये चारपाई पे निवार रख रखी है, मतलब जिससे चारपाई गूंथा जाता है, और मैं बोल रहा था दिखाऊं क्या, स्टेज लगा है वो रहने देता है, उस तरफ गाने बज रहे हैं और एक स्टेज इस तरफ लगा है, तो वो भी दिखाएंगे कभी टाइम पर, लेकिन अभी मूड नहीं है। ऐसे तो काफ़ी दिनों तक रहने वाला है, और नवरात्र चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है नवरात्र का, और
डिसेंट आवाज़ में अभी तो गाने बजा रहे हैं, और मैं जिस तरफ से रास्ते से आता हूँ वहाँ पे रावण बनने स्टार्ट हो, मतलब ऐसे नहीं किसी ने रावण बनाने स्टार्ट कर दिया हो, वहाँ पे वो अपना काम लेकर बैठे हैं। वो पहले तो बैम्बू से उसकी बॉडी बनाते हैं, बाद उसके ऊपर पेपर मतलब पहले उसके ऊपर कपड़ा चिपकाते हैं, उसके बाद ऊपर पेपर चिपकाते हैं, बाद उसका मुंह हाथ वाथ सब कुछ बना के चिपकाते हैं। बड़े बनाते हैं, छोटे बनाते, तो बनने स्टार्ट भी हो गए, आज 2 दिन हो चुके हैं उसको स्टार्ट हुए, तो आने वाला है वो क्या बोलते हैं इसको, रावण दहन, और यही चल रहा है अभी, और क्या चल रहा है, होली आने वाला, क्या दिवाली आने वाली है, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक बार फिर से तुम बादल देखो, और मैं देखता हूँ वीडियो कितना लंबा खींच गया, क्योंकि वीडियो बनाने का इतना कुछ खास मूड नहीं है अपना, तो वैसे है बादल, और ऐसे 6 मिनट और 13-15 सेकंड हो चुके हैं, और अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जैसा भी रहा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मूड तो नहीं था वैसे आज ब्लॉग बनाने का, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी, तो मैं पता नहीं क्यों चिल होके बैठा हूँ, वो यूट्यूब चालू नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, बाकी सब में बराबर नेट चल रहा है, बस उसी में ही नेट नहीं चल रहा है, गले में आई हुई है। अभी जाके देखते हैं उसको क्या कुछ करना होगा। अभी मैंने मोबाइल को रिबूट किया और अब वापस चालू करके देखते हैं। मैंने पहले बहुत सारी चीज़ ट्राई कर ली, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ कैसे चालू होगा, कैसे चालू होगा, चालू ही नहीं हो रहा, देखते हैं ट्राई करते हैं। अभी तक तो अभी कुछ 6:30 हो रहे, मतलब 6:30 हो रहे हैं, तो अभी तक तो 2 घंटे पड़े अपने को वीडियो अपलोड करने में, तब तक देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो और ज़्यादा ट्राई करेंगे, और कर भी कह सकते हैं। और अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं ब्लॉग में। तो जस्ट वीडियो एंड किया था, और 2 सेकंड बाद मैंने यूट्यूब चालू किया, मतलब कि मैंने अभी रिबूट करके वापस चालू किया, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब चालू नहीं किया, मेरे को लिखता है शायद हो जाएगा, और यूट्यूब चालू हो चुका है, खुशखबरी, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन मान लो वहीं पर जाएगा, और कुछ नहीं, बस मिलते हैं लोगों को। I have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong.